भी कहा कि अगर एयरक्राफ्ट का वाला इश्यू था, 5 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, अगर वो मुझसे भी कहते तो मैं किसी तरह से अरेंज करवा देता, कर लेते, लेकिन ये बड़ी इतनी बड़ी घटना ना होती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी कॉन्वाई जो है उसे इस तरह सड़क से नहीं भेजना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट पर रहा हो और इतना इम्पोर्टेंट उसको असाइनमेंट दी गई हो देश की तरफ से, वो कहना मुझे लगता है सही नहीं है। से फरवरी में ये घटना हुई थी 2019 में, उसके बाद जब उनसे इस बारे में उन्होंने कहा कि हमारी गलतियों से हुआ है, जब गवर्नर साहब ने मोदी जी कहा हमारी गलतियों से हुआ है, उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, वजह ये थी कि शायद उन्होंने ये कहा कि क्योंकि आगे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले थे और सारा का सारा दोष जो है वो पाकिस्तान पर मर देना था। आफ्टर थाट है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये अपोजिशन जो है, जो बखलाई हुई अपोजिशन है, उनके हाथ में खेलने वाली बात है। फार्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक जो है लगातार बीजेपी पर अपने कई बयानबाजी करते रहे। अभी हाल ही में कल उन्होंने एक बड़ा ही बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान, जिसमें कई तरह के प्रश्न जो हैं उन्होंने उठाए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हम कुछ कमेंट्स लेते हैं फार्मर डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह जी से, और जानते हैं कि वो इस स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं। देखिए, सत्यपाल मलिक जी जब गवर्नर थे और उनके टेन्योर में जो सब कुछ जम्मू कश्मीर में 370 गई, तो उस कारण से मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन उनको अगर लगता था कि नहीं, जिस प्रकार के बयानबाजी वो कर रहे हैं, उनको लगता था कि नहीं उनका पूरी जो है सहमति नहीं बन रही है, जब उनको वो घुटन महसूस करते हैं, तो या तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। जो आज वो बोल रहे हैं, तब बोलते तो शायद लोगों को समझ आती बात पर वो सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी आ जाके मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठाना, पुलवामा जो है बड़ी चूक थी, हाँ एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, चूक तो थी, लॉ एंड ऑर्डर की चूक, मतलब ये कहना चाहिए कि उसमें थोड़ा नहीं इंटेलिजेंस बता सकी जिसके कारण इतनी बड़ी जो है किलिंग्स हो गई, वो बात तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई वैसा इंटेंशनल या इस प्रकार का लैप्स था, इस प्रकार की बात करना, वो जो मैसेज दे रहे हैं अपनी बयानबाजी से वो ठीक नहीं है। उन्होंने इसमें ये भी कहा कि अगर एयरक्राफ्ट का वाला इशू था, 5 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, अगर वो मुझसे भी कहते तो मैं किसी तरह से अरेंज करवा देता, कर लेते, लेकिन ये बड़ी इतनी बड़ी घटना ना होती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी कॉन्वाई जो है उसे इस तरह सड़क से नहीं भेजना चाहिए। देखिए, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, उन्होंने प्रपोज किया, किस लेवल पर ये बात नहीं हुई, ये तो जाते सिक्योरिटी एजेंसीज बता सकती हैं, बाकी बता सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ अटैक हुआ और इतने लोग हमारे शहीद हुए, ये तो सही बात है, लेकिन उस वक्त इस प्रकार की बात जो कोई भी आदमी जो है कोई प्लानिंग करता है, कुछ करता है, कई बार उसमें कमी रहती है, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको मुद्दा बनाना, इशू बनाना और तब बनाना जबकि आप जो है बिल्कुल जब आपको जो आप चाहते थे शायद वो आपको नहीं मिला, उस पर इस प्रकार की बात करके और एक स्ट्रैटेजिक मसलों के ऊपर ऐसा व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट पर रहा हो और इतना इम्पोर्टेंट उसको असाइनमेंट दी गई हो देश की तरफ से, वो कहना मुझे लगता है सही नहीं है। आज विपक्ष के लोग जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और जिस प्रकार की जिस मकसद से बोल रहे हैं, तो सत्यपाल मलिक जी मुझे लगता है कि उन्हीं के इर्द गिर्द है, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल जो है कंपेनिंग भी करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट करूंगा, इस प्रकार की बात तो ठीक है, इसलिए बीजेपी से वो नाराज़ हैं, तो हो सकता है कि पहले जो उनकी जो इच्छा आकांक्षा के मुताबिक सारी पार्टी में बातें हो रही थी, जब वो गवर्नर तक पहुंच गए, जब उसके बाद नहीं हो गई तो इसलिए उन्होंने अपना पैंतरा बदला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उनका नारा था कि मैं ना करप्शन लूंगा, ना करने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, उसको भी चैलेंज किया है सत्यपाल मलिक ने, और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को करप्शन से ज़्यादा कोई नफरत नहीं। देखिए, सत्यपाल मलिक जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जब उनको पूछा गया कि नहीं जो है अमित भाई शाह को लेके और मोदी जी, उन्होंने मोदी जी के इस बारे में उन्होंने नाराज़गी जरूर पेश की, तो कोई व्यक्तिगत नाराज़गी हो सकती है, जहाँ उनका जो एम्बिशन था, जो सोच थी, उसको पूरा नहीं हुआ किया गया होगा, तो उन्हें व्यक्तिगत उन्होंने उनके मन में है, लेकिन है कि मोदी जी जो है करप्शन के बारे सीरियस नहीं है, तो ये कहना जो है ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो है गलत बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ चहुमुखी जो है जो हो रहा है उस कोशिशें हो रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र इस प्रकार की बात किसी को समझ नहीं आई। देखिए, अगर प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है तो फिर किसी को नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब हमारा कोलेशन गवर्नमेंट बनी, हमें मालूम है किस प्रकार से उससे एक जो एक्सपेरिमेंट था उसको सपोर्ट किया, उन्होंने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, कोई भी जाता था
उसको पूरा मौका देते थे और जो है फंड्स मुहैया करवाते थे। प्रधानमंत्री इतने लिबरली जो है उन्होंने फंड किया, लेकिन जब देखा भी नहीं, अभी जो है वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है। हाँ डेफिनेटली वो जो सोचने वाले हैं जिन्होंने जिस प्रकार की बात है, जब भी उपयुक्त समय आएगा किस प्रकार से जो है इसकी क्लैरिफिकेशन देनी है, क्या करना है, जो भी कहना है या नहीं कहना है, ये तो पार्टी उपयुक्त समय में सोचेगी। पुलवामा घटना में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से फरवरी में ये घटना हुई थी 2019 में, उसके बाद जब उनसे इस बारे में उन्होंने कहा कि हमारी गलतियों से हुआ है, जब गवर्नर साहब ने मोदी जी कहा हमारी गलतियों से हुआ है, उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, वजह ये थी कि शायद उन्होंने ये कहा कि क्योंकि आगे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले थे और सारा का सारा दोष जो है वो पाकिस्तान पर मर देना था। देखिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक गवर्नर जो स्टेट का गवर्नर हो, गवर्नर रूल में सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर हो, CID उसके अंडर हो, यूनिफाइड कमांड का वो उसको हेड करता हो, वो इस प्रकार की बात करे और जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करे तो ये बात समझ आती नहीं है। ये आफ्टर थाट है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये अपोजिशन जो है जो बखलाई हुई अपोजिशन है उनके हाथ में खेलने वाली बात है। धन्यवाद। तो जैसे अभी आपने सुना कि डिप्टी सीएम फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी ने किन प्रश्नों को जो जिस तरह से गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कुछ बयान दिए उसको लेकर आपने बताया कि अपनी स्टेटमेंट दी कि जो है इस तरह से अब उनके पास किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, शायद उस चीज़ से वो बुखलाए हुए हैं, इसी को लेकर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार वो इस तरह की बयानबाजी करके सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके इस जितनी भी स्टेटमेंट है उसमें किसी तरह का तथ्य नहीं है और इस तरह की स्टेटमेंट को लेकर आगे जो बीजेपी है वो अपनी किसी न किसी तरह से वो कार्रवाई करेगी और अपोजिशन को एक तरह से सिर्फ उनको मौका देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के मुद्दों को लेकर वो अपनी जो राजनीति करें।